Hey guys, welcome back to the channel. और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में. और आज एक नया और ब्लॉग लेके आ रही हूँ. और मेरे मम्मी पापा और भाई आए हैं बेंगलोर. भाई का इलाज चल रहा है निमहांस में. और फिर अभी वहाँ से हम लोग कोयम्बटूर आ गए थे. आज फिर से जा रहे हैं क्योंकि कल ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है. तो इसीलिए रात तक हम लोग जा रहे हैं और सुबह को पहुँच जाएंगे. तो पूरा सफ़र आपको दिखाऊंगी. पहले मैं वीडियो नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं थे क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं. तो अभी देखते हैं. अभी मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग में सब कुछ अपलोड करने की. और अभी से फिलहाल स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग. देखते हैं जितना हो सके करने की कोशिश करूंगी और सब कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश जरूर करूंगी. तो मेरे ब्लॉग में जरूर बने रहे. बस नए औषध नए दवाई. अभी हम लोग एकदम तैयार है और फिर हम बस से जाने वाले हैं. ट्रेवलर बस, बड़े जो बसेस होते हैं स्लीपर बस, उससे जाने वाले हैं. और 11 बजे आएगा. और फिर ये लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. वो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ब्लॉग बनाने के लिए. फिर से मैं यहाँ पे आ गई और अभी हम लोग तैयार है जाने के लिए बेंगलोर. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे. हम लोग निकल चुके हैं और शायद ओला कार आएगा लगेज लेने के लिए. और हम कुछ लोग 3-4 हम लोगों को अभी इतने रात को ओला नहीं मिल रहा है. तो हम लोग चल रहे हैं, ऐसे चल के जा रहे हैं बस स्टैंड तक. 11 बजे बस आएगा. आइबो ओला में जाएंगे और ये जाएगा, मेरे पति जाएगा रैपिडो में. 4 ही लोग रहते हैं ऑटो में तो इसीलिए ये रैपिडो ले रहे हैं. और हम सब ऐसे ही रात को सुनसान सड़क पे इंतज़ार कर रहे हैं. अगर कोई देख रहा होगा बोलेगा ये पागल है क्या. लोग बस स्टॉप पे आ चुके हैं और बस आएंगे. अभी हम लोग बस स्टॉप पे आ गए हैं और 11:15 को बस आएगा. टिल देन हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं. पापा और भाई आ रहे हैं चल के. हम तीनों आ गए हैं ऑटो से. मैं, मेरे पति, ये है विजय मोबाइल में, और मेरी मम्मी, हम तीनों आ गए हैं. और पापा और भाई अभी आ रहे हैं सामने. और फिर 11:15 बजे बस आएगा और सुबह को जाके पहुंच जाएंगे. तो अभी तो फिलहाल उठ के सो ही जाना है रात को. और क्या करेंगे कल सुबह नया ब्लॉग, मतलब कुछ और कंटेंट आएगा वीडियो इस वीडियो में. तो बस देखते रहिए. हमारा बस चले जाएंगे. हमको ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे बस ने. और अभी हम होटल की तरफ जाएंगे. हमारा होटल द पॉच इन. और अभी हम लोग यहाँ पे रहेंगे. मैं और मेरे पति आ गए हैं और वो लोग आ रहे हैं. देखते हैं कितना टाइम लगता है. ये एक रूम है और दूसरा दूसरी तरफ है.
सुबह सुबह हम लोग गप्पे लगाने बैठे, मेरा भाई अंदर ही चला गया सोने के लिए, और ये कैसा शतम बना रहा है। और इसको देखो, मुझे देखो, ये पापा को देखो, मम्मी को देखो। अभी सुबह हो गई है, हम सब आके थोड़ा टाइम सो के उठे हैं 2 घंटे, और अब तक ब्रेकफास्ट आ गया है, और अभी हम सब लोग एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, मैगी और फिर डोसा। उसके बाद भाई और पापा जा रहे हैं निमांस में उसका टेस्ट कराने, और फिर पूरे दिन हम लोग शायद होटल रूम में ही रहेंगे। अगर बाहर गए तो ब्लॉग बनाऊंगी, और अगर नहीं गए कुछ भी हुआ तो वो भी ब्लॉग में बनाऊंगी। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट, और अभी हम दूसरे रूम में जा रहे हैं लेके, उस रूम में मम्मी पापा और भाई। ये हमारा रूम 106, और ये सामने वाला उनका। ये देखो, मेरा भाई उठ के सीधा खाना स्टार्ट कर दिया। पापा इडली खा रहे हैं, मम्मी वॉशरूम में है। होटल के ऊपर आए हैं खाना खाने के लिए। डिस्टर्ब कर देना ये मम्मी और पापा। और अरे ये रिकॉर्ड को तसी तो इश, ये मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता है ब्लॉग करने के टाइम पे, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कल रात को हम लोग नहीं सो पाए थे बस में, बहुत ज़्यादा मतलब खराब बस था, तो इसीलिए अभी आने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग 2 घंटे सोए, 12 बजे तक, नहीं 11 बजे तक। उसके बाद हम लोग फ्रेश होके यहाँ पे खाने आए। ये खाने के डाइनिंग स्पेस का एम्बियंस है, बहुत सुंदर है। होटल में आके कौन ऐसे जूस बना के खाता है, ये मेरी मम्मी ने ये पोमोग्रेनेट जूस बनाया है मेरे लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए अभी पोमोग्रेनेट जूस खा रही हूँ, पी रही है। अभी हम लोग चाउमीन खाने वाले हैं इवनिंग स्नैक्स, और भाई देखो कैसे केक खा रहा है। हैं इल गया ना इसे।